हेलो गाइस, आप लोग का एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो यार इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ 1v1 चैलेंज। तो यार ये कस्टम चैलेंज में अगर वो जीतता है तो उसको आलोक देना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला अगर मैं जीतता हूँ तो आप मेरे को आलोक दीजिएगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अगर तू जीता तो मैं तेरे को आलोक दूंगा। लेकिन यार ये बंदा शायद थोड़ा सा न्यू है, लेकिन इसका लेवल ठीक ठाक है, अच्छा हेडशॉट रेट है इसका। लेकिन इसने बोला भाई कर लो यार कस्टम, मैंने बोला ठीक है भाई कर लेता हूँ। और इसका हेडशॉट रेट अगर मैं आपको बताऊँ तो यार इसका हेडशॉट रेट 52 का है, जो कि बहुत ही ओपी बात होती है। तो यार फर्स्ट राउंड में आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पर ग्रेनेड यूज़ कर लिया था फर्स्ट राउंड में। इसको पता नहीं था क्या नहीं था, मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन इसने ग्रेनेड यूज़ कर लिया। तो यार ये मैं कट कर दूंगा और इसका जो अगला राउंड होगा उसको मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो चलिए यार शुरू करते हैं। देखिए गाइस, इसने ग्रेनेड फेंक दिया है और यार मैं किसी तरह करके बच के यार क्या बताऊँ यार। ठीक है यार, अब मैं आपको यहाँ से सेकेंड राउंड से दिखाऊंगा। तो यार जो फर्स्ट राउंड था यार वो मैं बहुत अच्छे शानदार तरीके से जीत गया था। और रही बात अब सेकंड राउंड की, तो यहाँ पे राउंड टू आ चुका है। अब देखते हैं राउंड टू कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपनी MP5। यहाँ पे मैंने अपनी MP5 ले ली है। पीछे से चलना सही रहेगा, क्योंकि यार यहाँ से ओपन एरिया तो यहीं पे फाइट होती है। तो देखते यार वो बंदा कहाँ से आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है वो यहीं से आए। यार चलो आपको डायरेक्ट ऐसा करता हूँ, नहीं चलो चलो कोई नहीं यार, सामने सामने देखते हैं कहाँ पे। मेरे को बंदा अभी तक तो दिखा नहीं है गाइस, सामने देखिए साइड राइट साइड में देखा। इसको डैमेज पड़ा 18 आएगा यार, डुअल लगाओ यार। चलो साइड से इसको रश कर देते हैं सीधा, इस पर रश करके मारेंगे तुरंत तुरंत, कहीं कुछ वेट नहीं करना डायरेक्ट। और ये मेरी आईडी सेकंड आईडी भी नहीं है यार, ये मेरी गेस्ट आईडी। तो इसमें खेलने का मोटिव ये है कि यार ना मेरे पास कोई गन स्किन रहेगी, उसके पास है गन स्किन। जो बोला आप प्रो हो यार थोड़े बहुत, तो मेरे को तो चलेगा तुम्हें वो, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कैरेक्टर स्किल यार ऑन है, लेकिन यार उस बंदे के पास कोई सा कौन सा कैरेक्टर वो नहीं पता, मेरे पास तो यार एडम है। तो चलो देखते हैं यार, अब इसको यार हेड से देख के मारेंगे यार। यहाँ पे मैंने ग्लूवा लगा दिया, अब चलो यार यहाँ पे इसको, अरे भाई ऑटो नहीं गया यार। ओ भाई साहब यार क्या हेडशॉट दिया यार इसने भाई, इसका हेडशॉट रेट 52% का यार, जो कि बहुत ही ओपी बात है। यहाँ पे यार राउंड थर्ड आ चुका है, 1-1 का स्कोर हो चुका है, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे सब कुछ गन वन सब कुछ खरीद वरीद लिया है, अब बात करते हैं यार आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ एंड में पता चलेगा यार। यहाँ पे मेरा कुछ अटक रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे चलो अच्छे से ग्लूवा लगा लिया यार, सामने मैंने देख लिया यार सामने बंदा एक ग्लूवा लगा के यार वन टैप मारने की कोशिश करते हैं। बस वन टैप तो नहीं लगा, लेकिन उसको हेडशॉट जरूर लग गया है। और यार जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हेडशॉट से ही होगा, तो यार हेडशॉट से ही सारी किल करूंगा और उसको भी हेडशॉट से ही करने होंगे, क्योंकि यार दोनों का हेडशॉट बहुत ही ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर राउंड यार थर्ड मेरे ख्याल से फोर्थ राउंड आ चुका है। तो यहाँ पे फोर्थ राउंड में मैंने अपनी वुड पैकर गन ले लिया, जो कि बहुत ही शानदार बात है यार। ये वुड पैकर मेरी पर्सनली फेवरेट है, आप लोग की कौन सी पर्सनली फेवरेट गन है वो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, और मेरे को पता तो चले यार आप लोग का कौन सा है। तो यार यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, चलिए अब यहाँ से चलते हैं और तबाही मचाते हैं। यार यहाँ पे टाइमर भी ख़त्म हो चुका है, अब मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से जाऊँगा और यहाँ से लेफ्ट साइड पहुँचते पहुँचते मैं ओपन एरिया में जाके इससे फाइट करूँगा, क्योंकि यार ओपन एरिया में ही फाइट करते हैं। और गाइज मेरी पर्सनली कह सकता हूँ यार, मेरे का वुड पैकर से बहुत ज़्यादा ओपी हेडशॉट लगता है, शॉटगन से भी लगता है, लेकिन वुड पैकर का तो बात ही अलग है यार। यहाँ पे ग्लूवा लगा, देखते हैं कहाँ पर बंदा। गाइज सामने ग्लूवा लगी है, सर सामने बंदा, हाँ गाइज मेरे को दिख गया है सामने। गाइज इसको लगा 324 का हेडशॉट, जो कि बहुत ही शानदार बात है। लेकिन यार वन टैप नहीं लगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे वन टैप टू टैप की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हेडशॉट की ही बात हो रही है। तो चलिए गाइज यहाँ पे हम लोगों ने अपना 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर फिफ्थ राउंड आ चुका है। और फिफ्थ राउंड देखते हैं फिफ्थ राउंड में क्या होता है क्या नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने कुछ गन तो खरीदी नहीं है यार, और यहाँ पे चलो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यार वो बंदा क्या लेकर आएगा, कौन सी गन लेकर आएगा, कोई मेरे को पता नहीं। गाइस वेट वेट यार, यहाँ पे शायद वो अप डाउन कर रहा है, मैंने देखा कि वो डाउन कर रहा है, हाँ गाइस वो अप डाउन किया उसने एक बार, तो शायद उसको ग्लूवल की ज़रूरत है। चलो यार उसको एक बार कन्फर्म कर लेते हैं, हाँ यार उसको ग्लूवल की ज़रूरत है। चलो उसको ग्लूवल यहाँ पे निकाल देते हैं, दो ये लो भाई तू दो रख यार एक्स्ट्रा। तो यार यहाँ पे एक ग्लूवल जैसे ही लगा ग्लूवल लगा देंगे हम। तो गाइस यहाँ पे मैंने ग्लूवल लगा दिया, अब चलो इसको पैक कर दिया यार, ये बोलेगा क्या बंदा यार तो पैक ही करे जा रहा है। चलो उसको पैक से हटा दूँ इसको, भाई साहब मेरे को लगा वन टैप लग जाएगा लेकिन लगा नहीं। आजा भाई आजा जा, इस बार भी इसका खल्लास करेंगे यार, वन टैप से ही इसको मारेंगे। गाइस यहाँ पे रहा ये बंदा, देखते हैं क्या करेगा क्या नहीं। उसने भी शायद ग्लूवल लगा लिया, भाई साहब बहुत ओपी तरीके से ग्लूवल लगा, शायद इसका मूवमेंट स्पीड, भाई क्यों ग्लूवल फोड़ रहा है भाई अनलिमिटेड है, इसका मूवमेंट स्पीड थोड़ा सा स्लो है, बाकी इसका हेडशॉट बहुत ओपी गाइस का सच। ओ भाई साहब बहुत ओपी तरीके से बजा, नहीं तो हेडशॉट चिप जाता यार। चलो यहाँ पे ग्लूवल लगाते हैं, वन टैप गाइस वन टैप यहाँ पे बहुत ओपी तरीके से यहाँ पे वन टैप लग चुका है। और यहाँ पे हमारे टोटल
5 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये भी राउंड मैं जीत चुका हूं और ये राउंड 6 आ चुका है। अब देखते हैं राउंड 6 में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ये यार मेरे को पर्सनली फेवरेट नहीं है मेरी, क्योंकि इस तरफ से यार थोड़ा मेरे को बनता नहीं है, लेकिन ठीक है यार यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो चलो टाइमर भी खत्म हो गया है, अब हमको डायरेक्ट जंग के मैदान में हम आपको दिखाएंगे। चलो यार जंग के मैदान में पहुँचते हैं। तो यहाँ पे जंग के मैदान में हम लोग आ चुके हैं और देखते हैं वो कहाँ पर रह गया। यार भाई आ जाओ, शायद पीछे से आ रहा होगा यार, वो बोला कहाँ गया। यहाँ पे थोड़ा ग्लूअर का दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। कवर कर लेते यार, नहीं तो साइड से शॉट दे दिया दिक्कत हो जाएगी यार। ऊपर भी लगा लेते, कहीं से उड़ उड़ कर आ गया तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी ना मेरे को। तो यार बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने का समय आ गया। गाइस सामने बंदा यार, इसको टैप देने, वन टैप गाइस इसको दे दिया है। मैंने सोचा ही नहीं था यार कि लगेगा, लेकिन लग गया यहाँ पर। और यहाँ पे डेजर्ट ईगल का भी एक और हेडशॉट लग गया। तो यहाँ पे टोटल 5 राउंड मैं जीत चुका हूँ, राउंड 7 आ चुका है। और गाइस मिल में भी यार मेरे फेवर में मिल का प्लेस नहीं आया, अगर ऊपर से होता तो भाई साहब बहुत मजा आता, क्योंकि ऊपर से यार हेडशॉट बहुत ओपी लगता है। तो देखते हैं यार इधर से मैं हेडशॉट मार पाऊंगा कि नहीं। वो बंदा कहाँ है यार, वो देखना पड़ेगा। सबसे मेन बात यही है कि वो आएगा कहाँ से, नीचे से आएगा ऊपर से आएगा। यार भाई तू ऊपर ही रहे यार, क्योंकि मैं आ रहा हूँ ऊपर। चलो यार ऊपर चलते हैं और देखते हैं वो बंदा। और यहाँ पे ग्लूअर लगाते हैं यार। नहीं यार ऊपर ही चलना सही रहेगा यार। वन टैप का मैं फुल टॉस ट्राई करूंगा यहाँ पर, और डेस्ट गल्स इस बार मारने। ओ भाई साहब वुड पैकर यार बंदे के पास भी, बहुत कर रहा है हेडशॉट मारता है यार वो भी। यार यहाँ पे मैं डेस्ट गल से मारने का फुल ट्राई करूंगा। डेस्ट गल निकालते हैं, निकाल भाई मुंडी निकाल। गाइस 495 का हेडशॉट, इधर यार काम तमाम। यार इधर पे मैं 6 राउंड जीत चुका हूँ और वो एक राउंड ही जीता है अभी तक। और यहाँ पर अपना राउंड 8 आ चुका है, जो कि बहुत ही ओपी बात है। तो राउंड 8 मैं सोचूंगा यार यार अब तो दया आ रही है उस बंदे को, क्या करूँ यार, ये मैच हारूँ या फिर एलिमिनेट करूँ। मारेंगे नहीं यार उसको एक गोली, मतलब उसको खत्म नहीं करेंगे यार। यहाँ पे थोड़ा नेट इशू हो रहा है, रुकिए एक मिनट नेट सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे यार उसको हम लोग मारेंगे बिल्कुल भी नहीं गोली से। अगर एक दो लग भी गई तो अलग बात है, लेकिन उसको खत्म नहीं करेंगे, उसको या तो एलिमिनेट करेंगे या तो जीतने देंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, मेरे को वेट करना है उसका। यार देखते हैं कहाँ गया यार, एक मिनट गाइस। यार यहाँ पर एक मिनट गाइस, ये रहा सामने बंदा यार, ये मैंने देख लिया। ओ भाई साहब क्या हेड देखा आपने यार, मेरा हेलमेट आधा फोड़ दिया इसने, मतलब बहुत ओपी हेड मारता है ये बंदा भी यार। तो यहाँ पे ग्लूअर लगाते हैं, आई पिन बहुत दिक्कत कर रहा है। यहाँ से निकलते हैं यार और एक सेफ प्लेस में चलते हैं। पहले यहाँ पे ग्लूअर, भाई ग्लूअर लगा चलो, क्योंकि इसका हेडशॉट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। चलो 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 यार यहाँ पे ओपन प्लेस में आ जाते हैं। मारेंगे बिल्कुल भी नहीं यार, क्योंकि यार मैं 6 राउंड जीत चुका हूँ, वो एक ही जीता है। एलिमिनेट करेंगे या फिर इसको जीतने देंगे। तो यार पहले सिचुएशन देखते यार क्या बन रहे। यार यहाँ पर मेरे को लग नहीं रहा कि यार जीतने देना चाहिए, क्योंकि यार वो अभी भी अंदर ही है कहीं कहीं, तो यार छुपा बैठा है। कहाँ छुपा बैठा है वो नहीं पता मेरे को। भाई बाहर निकल यार। गाइस यार ओ सॉरी यार, गलती से मेरा लगा यार, मैंने मारने का कोई इंटेंशन नहीं था यार, गलती से लगा। तो यार अंदर, ओ भाई साहब यार अब इसको एलिमिनेट करूंगा यार मैं, देखना। इसने ग्लूअर लगा दिया, बहुत तगड़ी ग्लूअर लगाई यार इसने। तो एक साइड में ग्लूअर लगा दिया यार। ओ भाई साहब गया यार, ये गया बाहर निकल। गाइस यहाँ पे फंसा दिया, और गाइस ये सच्ची में एलिमिनेट हो गया, बहुत अच्छी तरीके से एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे हमने बुइया मार लिया। और अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ये कस्टम अगर मैं सही तरीके से जीता हूँ, जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप लोग को भी कस्टम खेलना है तो प्लीज़ यार कमेंट में बताइए। अगर आप जीतेंगे तो मैं आपको कुछ गिफ्ट भी सेंड करूंगा। लेकिन ये बंदा हार गया, लेकिन इसको कर देंगे यार कुछ तो गिफ्ट करेंगे, नहीं तो यार उसका बोलेगा यार कुछ भी गिफ्ट ही नहीं किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जरूर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और यार अगली वीडियो वापस एक प्रैंक वीडियो आ सकती है, तब तक के लिए अपने टेक केयर यार, बाय बाय, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।